चाय 1 रुपए की है? चाय 1 रुपए का, 2 रुपए का कॉफी। आप इतने सस्ते क्यों रखते हो? मतलब मैम हमारा कुछ बड़ा लॉजिक नहीं था, पब्लिक को डस्टबिन चाय मत तो मिल सके, जो रिक्शा वाला हो गया, जरूरत वाले इम्प्रेसिव टेस्ट है इसका। एक वड़ा पाव और मस्का बन कितने? मस्का बन 9 वाला भी है, बटर में 9, जाम में 12। बटर जाम का 12, खाली प्लेन बटर में 9 रुपये। चाय 1 रुपए की है? चाय 1 रुपए का, 2 रुपए का। आप इतने सस्ते क्यों रखते हो? मतलब मैम हमारा कुछ बड़ा लॉजिक नहीं था, पब्लिक को डस्टबिन चाय मत तो मिल सके, जो रिक्शा वाला हो गया, जरूरत वाले उनको डस्टबिन में चाय मत तो मिल सके। अरे वाह, इसके लिए चालू किया। मतलब ये एक इंटरेस्ट चला दिया? नहीं, हमारा नीचे कैसे एरिया है, ये पूरा हमारा प्राइवेट है, नहीं है, ये प्राइवेट, ये हमारा मेंटेलिटी, हमारा। अच्छा, ये आपका थॉट ही है आप लोग, मतलब ये जरूरतमंदों के लिए। तो अभी हम लोग तो दे सकते, तो अभी हम इसका चाय का 10 रुपए, वड़ा पाव का 20 रुपए देना चाहे तो दे सकते हैं? कुछ नहीं, हम हमें ज्यादा देना हो तो हम नहीं दे सकते, आप इतना ही रखते हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि ज्यादा लेना, उससे क्या होता है पब्लिक की मेंटेलिटी। नहीं, हमको देना हो तो आपको नहीं, तो नहीं वो तो ये, बट पब्लिक का मेंटेलिटी ऐसा होता है कि अच्छा, ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा देते जाता है 100 रुपए, वो चीज जो पिछले वो ही ज्यादा। अच्छा, लेने का भी नहीं, ज्यादा कम लेने का भी। ओके, ये यहाँ से आती है ना, एंड 9 रुपए का गन्ने का जूस भी है, गन्ने का जूस भी चल के वो 9 रुपए का ही। अरे वाह, बहुत इम्प्रेसिव टेस्ट है इसका। ये जो प्राइस है और ये इनका जो आइडिया है, उसके मुताबिक पाव जो है एकदम सॉफ्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसके अंदर का जो वड़ा है और जो चटनी है उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। और इनका मुझे ये अच्छा लगा कि ये कोई ट्रस्ट या ऐसा कुछ चलाते नहीं है, कि इनका इंडिविजुअल एक थॉट है इन लोगों का। इनका भाई, इनके भाई मैकेनिकल इंजीनियर है ऐसे बोल रहे थे, और ऐसा उनको आइडिया आया था कि जो सुबह में रिक्शा वाले और जो बस ड्राइवर सब होते हैं, तो उनको जो नाश्ता जो करना होता है वो 10 रुपये में हो जाए, पूरा चाय कॉफ़ी वड़ा पाव 10 रुपये में पूरा नाश्ता हो जाए, चाय के साथ मस्का बन भी ये सब इंक्लूड होके 10 रुपये में पूरा नाश्ता हो जाए, ऐसा उनका आइडिया है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी, यम्मी है एकदम, आप लोग ट्राई कर सकते हो। उससे बैठने के और टेबल भी है, तो आप अंदर आके भी बैठ सकते हो। और एक मिनट, यहाँ पे एसी है अंदर, एसी भी है, तो यू नो लाइक, और उनकी ये कॉफी ट्राई करते हैं। वाओ, बेस्ट, मतलब परफेक्ट,
नो लाइक कॉफ़ी लिटरली आप जो कैफे में ट्राई करते हो हॉट कॉफ़ी और सेम वही टेस्ट है. प्राइस क्या है इसकी? प्राइस ओनली 2 rupees, यू नो ओनली 2 rupees. और उनका मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि आप 10 rupees में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं जिनको अभी खाने मतलब ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से खाने का वो प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने यूनिक आइडिया है और उनका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट भी नहीं है कि उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, वो उनका खुद का ही एक आइडिया है और वो खुद ही ऐसा आइडिया लेके आए हैं कि भाई हम ऐसे 1 rupees में चाय, 2 rupees में कॉफ़ी और 9 rupees में वड़ा पाव, मस्का पान. इवन उन्होंने अभी गर्मियों में वो शेडी का रस भी गन्ने का रस भी चालू किया है. शेडी नो रस एक पर वो 9 rupees में है. तो आइए और ट्राई कीजिए. उनकी चाय देखते हैं. चाय इज ओके, मतलब यू नो एकदम कड़क है चाय, तो मुझे वो पसंद नहीं है. तो लाइक दोनों ही बहुत अच्छी चीज है. तो नो एक बार आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. और 1 rupee में चाय और 2 rupees में कॉफी, ये सब आपका मतलब आपका आइडिया है आपके भाई का? ब्रदर का, जो मेरे पार्टनर भी है. अच्छा. तो हाँ. उनका मैं भी इंजीनियर, तो उनको बैठे वीडियो देख रहे थे, उनके माइंड में चला के कुछ नया करते हैं. हाँ, हाँ, हाँ. गरीब को खाना मिले, कोविड के बाद लोगों का पैसा नहीं. अच्छा. बर्गर आ रहा है 90 rupees समथिंग, फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं एंड पिज्जा आ रहा है. Okay, और हमने जो जगह बने वो पहले से ही है कि अभी नहीं? ये हमने अभी ये 15 जैन को ओपनिंग हुआ था मार्केट का. तो अच्छा, ऐसा है. नीचे कैफे एरिया चल रहा है, आप देख सकते हो. ओके, कैफे एरिया है पूरा. कोयरा कैफे, अभी नाम चेंज करें, डाउनटाउन है वो हमारा नहीं, कोयरा कैफे हमारा. नहीं सही है, अभी खाने की प्राइस ज्यादा ही बढ़ती जा रही है. महंगाई की सबसे, और पब्लिक बोलते आपको मिलता नहीं, हमको नो लॉस नो प्रॉफिट है. जो चीजें आ रही है वो हमारे भाई के फार्मर से आ रही है, जो आलू प्याज. अच्छा. वो जो हमारे खुद की टीम से, बाहर का कुछ भी नहीं. अच्छा. ये भी ये मुझे वड़ा पाव में टेस्ट आया, वो एकदम प्योर टेस्ट था आलू का. और जो ये जो है ना चीजें, ये कार्ड के जाते हैं, कार्ड पुदीना चिल्ली उसके बनाए हुए, ये घर की दाल मिर्च और लहसुन का कम्बाइन है. कॉफी मेरा खुद का फेवरेट है, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा करता हूँ. नहीं मतलब ये मशीन में ही बनती है? या मशीन, हमने खुद में इसमें मेन प्रोडक्ट का भी कैसा है कि फ्री भी सब खुद तैयार करते हैं. खुद के फार्मर है हमारे, मेरे दीदी के साथ 40,000 फार्मर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं. मोरिंगा प्रोडक्ट हो गया, तुलसी, अश्वगंधा, उस हिसाब से. तो ये प्रोडक्ट हमारे खुद के, तो हमको हमारे प्रोडक्ट पे ज्यादा भी है. सजेशन ज्यादा दे सकते हैं कि आप ये ट्राई करें. अभी बर्गर वड़ा पाव भी लॉन्च किया है, जो 19 में बर्गर वड़ा पाव जो 19 का है, जो आलू टिक्की की जगह ओनली वड़ा आता है, बाकी फिलिंग ओनली बर्गर की जगह. अच्छा. आपको ट्राई करना है तो आप भेजिए, मैं आपको ट्राई कराता हूँ. अभी अभी आपके पास है ना? और इन्होंने 5-10 सेकंड पहले ही लॉन्च किया है ये हमारे लिए स्पेशल, मतलब उनको चखा रहे हैं अभी. हाँ, वो एक्चुअली वो अप्रैल में लॉन्च करने वाले हैं. इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. मतलब मुझे अभी भी हो रहा है कि ऐसा आइडिया इन लोगों को आता कहाँ से है, मतलब इतने अच्छे लोग हैं अभी भी दुनिया में. मस्त है. ओके, सो लोकेशन दिखा देती हूँ. ये गुरुकुल रोड है, सामने स्वामीनारायण मंदिर है, और ये यहाँ पे संकल्प है, उसी के नीचे है.